me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. So दोस्तों ये रहा वी होटल्स एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। जो दिख रहा है ना ये गेट है, और इसी गेट से आप अंदर जाके ना सीधा तुलिप स्टार होटल एज अ वी होटल के यहाँ पे आप अंदर जा सकते हो। तो ये रहा होटल्स। I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. कुछ काम नहीं किया, बस इतना लग रहा है कि काफी ऐसा लग रहा है कि हम ना कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। हाँ चलो, हो गया। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, सामान रख दिए हम, तो अभी चले जाते हैं। ये सुख होटल। I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live? सर के जूहू लिखा हुआ है, और हमारे दादा, क्या नाम है दादा आपका? मुत्तू। मतलब आप साउथ इंडियन की हो क्या? देखा हमारा हमारा सेम नाम आ गया, मुत्तु स्वामी वेन गोपाल। आप सभी की वजह से मैं भी जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आई होप यू गाइस आप भी स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। सो दोस्तों कि ये ना मेरा ना मुंबई इवेंट ब्लॉग नंबर 134 है, जहाँ पे आज ना मैं विले पाले स्टेशन बेस के यहाँ पे हूँ। और सर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ना ये ना मुंबई इवेंट ब्लॉग वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना पिछले ना कई दिनों से ना थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम था, कॉलेज था, और इसी की वजह से थोड़ा मैं ब्लॉग वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। और फाइनली ना ब्लॉग वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। और सर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मुझे देख रहे हो मेरे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट वगैरह पहना, तो इसका मतलब आज मेरा जो मॉर्निंग का इवेंट है वो है विले पाले स्टेशन बेस तुलिप स्टार होटल के यहाँ पे, जहाँ पे आज मुझे ना 9:30 बजे रिकॉर्डिंग करना है और 3:30 बजे मेरा चेकआउट हो जाएगा। और इसके हिसाब से अभी ना मैं यहाँ पर एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी कुछ ही मिनट के बाद एक दोस्त आने वाला है, और फटाफट हम यहाँ पे रिक्शा में बैठेंगे। और ये विले पाले स्टेशन वेस्ट है ना थ्री स्टार होटल जो है, जैसे कि हमारे वहाँ पे माननीय श्री बॉलीवुड के बादशाह जिसे हम कहते हैं अमिताभ बच्चन सर का भी बंगलो वहाँ पे है, और उसका नाम है जलसा बंगलो। और जलसा बंगलो के जो सामने ही तुलिप स्टार होटल का नाम है, जो मतलब कई सालों से वो होटल इसलिए बंद हो चुका है, और कुछ उस पर कुछ इश्यूज रहते थे और कुछ प्रॉब्लम्स था, और जिसके रीज़न की वजह से उसको ना कई सालों से होटल को बंद करके रखा हुआ है। और अब वीडियो को देरी नहीं करते हुए सो दोस्तों अब सीधा जाते हैं इवेंट के यहाँ पे। और चलो मैं तो फिलहाल तो फटाफट यहाँ से ना विले पाले स्टेशन से हो दोस्तों, आप देख रहे हैं विले पाले स्टेशन, और विले पाले स्टेशन के यहाँ से ना फिर मैं यहाँ पे नीचे उतरता हूँ, और उतरने का यहाँ से फटाफट अच्छा पकड़ के मेकअप मार के फटाफट इवेंट की ओर जाते हैं। चलिए दोस्तों चलिए। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी मैं ना विले पाले स्टेशन वेस्ट के यहाँ पे हूँ, इसका नाम है एसवी रोड है, स्वामी विवेकानंद रोड। अभी जैसे यहाँ से ना मैंने ना मीटर की रिक्शा ना मीटर के लिए लिया, ताकि मेरे पास थोड़ा यहाँ से थोड़ा लेट हो गया था, और इसी की वजह से ना मुझे यहाँ पे थोड़ा मीटर मारना पड़ा। और इसी रोड से हम सीधा सीधा जाएंगे, और वहाँ पर ही अमिताभ बच्चन सर का वहाँ पर जलसा बंगलो देखने को मिलेगा, और जलसा बंगलो के जैसे सामने ही तुलिप स्टार होटल है। और देखते हैं यहाँ से कितना मीटर आएगा और वहाँ पर कितने बजे पहुँचेंगे। फिलहाल तो मुझे ना 9:30 बजे पहुँचना था, बट अभी बज चुका है 9:42 हो चुका है। इसका नाम है विठल टू मेहता मार्ग रोड है ये कुछ, और VM रोड भी कहते हैं इसे। तो फिलहाल मुझे लेट हो गया था, और इसी की वजह से ना मैं स्टेशन पे वेट नहीं किया दोस्त का, और ऑलरेडी एक दोस्त ना पीछे से आ रहा है, और क्योंकि आज का जो रिपोर्टिंग टाइमिंग था वो 9:30 बजे का था, और ऑलरेडी वहाँ पे ना लोग पहुँच चुके हैं, बट अभी मैं और मेरा दोस्त बाकी थे, दो जन बाकी थे। तो मैंने सोचा चलो यार लेट पहुँचने से अच्छा ना तो फटाफट मीटर मार के यहाँ से जाते, नहीं तो मैं हमेशा कैसा है ना हमेशा यहाँ से अगर कभी भी अगर मुझे वहाँ इवेंट करना हो या फिर कहीं भी करना हो, स्टेशन से अगर आसपास अगर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के आसपास ही है, तो मैं ज़्यादा करके पैदल जाना ही पसंद करता हूँ। तो फिलहाल तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पे, और रिपोर्टिंग 9:30 से लेके 3:30 बजे तक हमारा वहाँ पे काम रहेगा। और फिलहाल तो अभी थोड़ा है ना वेडिंग सीजन है, और इसकी वजह से आपको ना हर जगह शादी का मौसम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ऑलरेडी आप सभी को दोस्तों मैंने बताया था कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया हूँ, और मुंबई में मैं कई सारे ऐसे ना मुंबई वेडिंग्स ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ, जहाँ पर मैं
डिफरेंट इवेंट्स करते रहता हूँ, चाहे वो मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट हो या फिर मेरा इवनिंग का या फिर आफ्टरनून। और हाल ही में मतलब रात को हम लोग वही 1:30-2 बजे या फिर कभी कल ना 12 भी बज जाता है घर पे आते आते, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उठो फिर इवेंट पे जा। तो ऐसे कई सारे हमारे ना डेली शेड्यूल हमारा ऐसा होते रहता है, काफ़ी मज़ा आता है इवेंट के साथ। तो चलो दोस्तों, तो ये And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. So, दोस्तों यहाँ पे मैं 4 मिनट में पहुँच गया और मेरा मीटर का बिल आ चुका 38 रुपये। और सामने आ गया हमारा टूलिप स्टार होटल, जिसे हम कहते हैं वी होटल्स भी कहते हैं जियो में। सामने रुका था भैया, अरे इधर इधर इधर। तो चलो फाइनली हमारा हम उतरने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए 40 रुपये परफेक्ट आ गया। Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is so दोस्तों फिलहाल अभी ना 11 बज चुका है और यहाँ पे ना मैंने ना 10 बजे रिपोर्टिंग दिया था, और जिसका जैसे मुझे ना आज ना दोपहर को 4 बजे चेकआउट मिलेगा। और ये कुछ इस प्रकार का ना ये नज़ारा है फिलहाल। तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी बारात आए नहीं, बट आज का जो फंक्शन है वो शादी का है और दोपहर में ही यहाँ पे बारात आने वाला है। तो चलो दोस्तों हमको दिखाता है यहाँ पे गाड़ी है 4-व्हीलर। यहाँ पे हमने ना अभी ब्रेकफास्ट पूरा लगा दिया है, मतलब ब्रेकफास्ट पूरा गाड़ी में लोड कर दिया। अभी हम लोग होटल की तरफ जाएंगे और होटल के यहाँ पे जाने के तो वहाँ पे जो ब्राइड है सब ग्रूम है उनकी टोटल वहाँ पे ना 15 से लेकर 20 लोग हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराने वाले हैं, फिर वहाँ से हम लोग आने वाले हैं। ठीक है सो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग ना तुरिस्टा होटल के यहाँ से निकल रहे हैं, होटल की ओर जा रहे हैं। पटेली ना पटेली इसके बाद 10:30 बज गया, पता नहीं 1.5 घंटे आज इतना लेट आया, इसके लिए इसका थोड़ा पेमेंट काट देंगे। इतना काटते हैं नेक्स्ट टाइम कभी लेट नहीं आएगा, और कभी कुछ से लेट की बात पता नाला सुपर से बात समझते नहीं हो। I think that work is essential, the grind is all in your mental I don't think you understand what I'll go. हमारे ब्रेकफास्ट के कुछ यहाँ पे हम लोगों ने पार्सल किया हुआ, जैसे कि यहाँ पे ना हर चीज़ों पे एंटेक वगैरह लगा दिया है। उसमें सांभर है, इसमें इडली मेंदू वड़ा, साउथ इंडियन डिश हमने ना इस दोनों पे रख दिया। और इसमें पूरा कैरेट में ना कैरेट में हमने पूरा ना लाइव जो भी था ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे पैकिंग कर दिया। और जैसे भी यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल्स के यहाँ से फटाफट जा रहे हैं। तो चलो Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages So, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे आज हम लोग आए ना इस होटल का नाम है सुख करके होटल है जो जो में आता है। और सो दोस्तों फिलहाल ना अभी ना दोपहर का 12:29 हो चुका और फटाफट हम लोग ना वहाँ लिफ्ट से नीचे उतर गए। और जो भी हमें टोटल ना आज ना 25 पीपल गेस्ट थे उनको वहाँ पे हमने ऊपर ना 3rd फ्लोर पे ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हमारा वाइंड अप हो चुका है। और ये एम्प्टी टब यहाँ पे मैंने रखा, अभी जैसे हमारी कार आएगी और कार पर हम लोग ना लोड करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग भी जाएंगे वी होटल्स, मतलब जाएंगे तुलिस्टा होटल के यहाँ पे। तो चलिए चलो हो गया। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, सामान रख दिया हूँ, तो अभी चले जाते हैं ये सुख होटल। सो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जू होटल के पास, और सामने लिखा एसटी जोसेफ चर्च करके जूहू लिखा हुआ है। और हमारे दादा, क्या नाम है दादा आपका? मुत्तू। मतलब आप साउथ इंडियन की हो क्या? देखा हमारा हमारा सेम नाम आ गया, मुत्तू स्वामी गोपाल। सो दोस्तों अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो आप विलेपाल स्टेशन के यहाँ जा सकते हो। और ये रहा ये रोड का नाम, पता है क्या है? इस रोड का नाम है जूहू रोड ना, जूहू तारा रोड। सो दोस्तों इस रोड का नाम है जूहू तारा रोड है। और जस्ट हमारा ना टूलिप स्टार होटल जिसे हम कहते वी होटल सामने ही है। और इसके यहाँ पे ना जलसा बंगलो, जहाँ पे श्री माननीय श्री बॉलीवुड के महानायक जिसे हम कहते अमिताभ बच्चन सर वहीं रहते हैं, उनका वहाँ पे बंगलो है। तो चलो हम लोग जा रहे हैं फटाफट। और सो दोस्तों यहाँ पे हमने ना सामान को शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं होटल के पास। सो दोस्तों मॉर्निंग में ना काफ़ी मज़ा इसलिए आना क्योंकि ना हम लोग ना 10 बजे तो रिपोर्टिंग कर लेते और कहने के हमें ना 11 बजे सामने क्या बोले, एक काम करो आप चले जाओ ना, आप सीधा ना सुख होटल में जाओ, वहाँ पे जाके ना टोटल वहाँ पे ना 25 गेस्ट है
उनको जाके ना आप रूम सर्विस में जाके उनको ब्रेकफास्ट कर दो। और करते करते फिलहाल अभी बज चुका है 12:30, कहने के एक हिस्से लेके 1.5 घंटा हमने वहाँ पे फुल मजा किया, उनको मतलब ब्रेकफास्ट तो करा दिया, उनके साथ साथ हमने भी ब्रेकफास्ट खा लिया, क्योंकि फिलहाल तो अभी वहाँ पे ना लंच का तैयारी हो चुका है, लंच का काम वहाँ पे चालू है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो गाइस आज का सुबह का इवेंट तो काफ़ी अच्छा रहा और मज़ा, ऐसा लगता है ना सुबह से हमने कुछ काम नहीं किया, बस इतना लग रहा है कि काफ़ी इंजॉय, ऐसा लग रहा है कि हम ना कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ plans are contagious, I attack that shit, I'm tenacious, and if you ain't get the fuck out of my way then, got one life I won't regret it, I will fight until I get it, I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons, and say damn I had no questions, I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah, they tell me that I'm never gonna make it. चलो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिशा होटल एज वेल वी होटल्स के पास, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हाँ सब खत्म हो गए, हम लोग ही ये लोग को खिलाए, उनको खिलाए, सबको खिलाए। हाँ सो दोस्तों हमारी कार यहाँ पे आ चुकी है, चल चलो बंद कर इसे। हाँ चलो ब्रदर आ जा, ये ब्लॉग है हमारा, OTP ब्लॉगर है, हम ब्लॉगर छे, चल सो दोस्तों फिलहाल अभी ना शाम के ना 4:36 हो चुका है, अभी जस्ट मेरा इवेंट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने के बाद ना अभी जस्ट मतलब मैं तुलिप स्टार होटल पे था, और ये होटल ना काफ़ी सालों से बंद है, बट यहाँ पे ना वेडिंग का इवेंट वगैरह यहाँ पे अक्सर यहाँ पे होते रहता है, बट जैसे ही यहाँ पे मेरा इवेंट का पैकअप हो चुका है अब जस्ट मैं अपने घर के लिए यहाँ पे निकला। एक्चुअली क्या हुआ था ना, सुबह ना वहाँ से एंट्री नहीं दिया था, जो मतलब वहाँ से सुबह एंट्री नहीं दिया था, इसके वजह से हमें ना इसी गली में ऐसा आके फिर यहाँ से हमने एंट्री किया और आधार कार्ड वगैरह दिखा, फिर वहाँ से हमारा एंट्री होने के बाद अभी जस्ट मेरा चेकआउट हो चुका है, अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ विले पैलेस स्टेशन के यहाँ से, बट मैं सुबह ना रिक्शा से आया था मीटर से, बट अभी मैं यहाँ से पैदल से ही जाऊँगा। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ सांता क्रूज ट्रैफिक डिवीज़न करके, और ये ना जूतारा रोड है, और इसे हम ना बिरला लेन कहते हैं, मतलब ये ना बिरला लेन है, यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो सीधा बीच की ओर जाएंगे, और ये रहा जूतारा करके रोड है, यहाँ से सीधा हमने विले पैलेस स्टेशन की ओर जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ से हम नांदेड़ स्टेशन वेस्ट के यहाँ पे, और ये रहा जूह चौपाटी जाने का रास्ता जिसे हम कहते हैं जूह तारा रोड, और जस्ट वहाँ पे इंडियन पेट्रोल पम्प है, इंडियन पेट्रोल पम्प के जस्ट सामने ही ये रहा तुलिप स्टार होटल जिसे हम कहते हैं वी होटल्स करके, तो वहाँ पे ना माननीय श्री बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सर का जो बंगलो है, जलसा बंगलो, वो सामने ही है सिग्नल के जस्ट बाजू में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सिग्नल, ये बंगलो है, ठीक है, और उसके बाद सो दोस्तों फिलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, इस बंगलो का नाम पता क्या है, बॉलीवुड के महानायक जिसे हम कहते हैं माननीय श्री अमिताभ बच्चन सर का बंगलो यही है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट मैं जहाँ पे खड़ा था ना, इसका नाम है बॉलीवुड के महानायक जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार माननीय श्री अमिताभ बच्चन सर का बंगलो जस्ट मेरे पीछे था, जिसका नाम था जलसा बंगलो। और सो दोस्तों रहा इवेंट की बातें, तो इवेंट फिलहाल तो मेरा ख़त्म हो चुका है, और इसी वजह से अभी मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। और सो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा
तो नीचे देखकर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मुंबई इवेंट्स ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह के मुंबई रिलेटेड ब्लॉग वीडियोस मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं ब्लॉग वीडियो का अंत करता हूं। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक गाइस जय हिंद, जय भारत, कीप द वॉचिंग राज सक्सेना मुंबई इवेंट्स ब्लॉग वीडियो। तो चलिए।